नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, बोलो तुलसी माता की जय। बहुत पुराने समय की बात है, एक घर में ननद और भाभी रहती थी। ननद प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा एवं आरती किया करती थी। वह हर समय जय तुलसी रानी, जय तुलसी रानी बोलती रहती थी। जागते सोते, घर का काम काज करते, वह हर पल माता तुलसी का गुणगान करती रहती थी। भाभी को ननद के मुख से हर समय तुलसी का नाम जपता देख बहुत क्रोध आता। वह बोलती, इसे और कुछ नहीं आता सिवाय तुलसी के गुणगान के। इसकी शादी में इसे तुलसी ही दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। भाभी ने कहा, इसकी शादी करनी है, इसके लिए लड़का देखो जो बहुत ही गरीब हो। भाई ने अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी बहन के लिए बहुत ही गरीब परिवार का लड़का ढूंढा। शादी तय हो गई और शादी के दिन नजदीक आने लगे। ननद की माँ तुलसी पर आस्था और गहरी होती गई। शादी का दिन आ गया, बारात आई। भाभी ने बारातियों के लिए कोई भोजन ना बनाया, बल्कि तुलसी के पत्ते खाने के लिए रख दिए। खाने में तुलसी के पत्ते देखकर बाराती बहुत गुस्सा होने लगे। यह सब देखकर भाई को बहुत दुख हुआ। भाभी की इस हरकत की खबर ननद तक पहुंची। उसने हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना की और बोली, हे तुलसी रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज रखना। जैसे ही उसने प्रार्थना की, भोजन में रखे तुलसी के पत्ते 56 प्रकार का भोजन बन गए। इतना भोजन और मिठाइयाँ देखकर बाराती बहुत खुश हुए और उन्होंने भर पेट भोजन किया। भाभी ने ननद को कपड़े भी तुलसी के पहना रखे थे और विदाई में अर्थात दहेज में केवल तुलसी ही दी। अपनी बहू को तुलसी के कपड़े पहने देखकर ससुर ने अपनी पत्नी अर्थात उसकी सास से बोला कि जल्दी से कपड़े और गहने ले आओ, बहू ने तुलसी के कपड़े पहन रखे हैं। जैसे ही सास गहने और कपड़े लेकर गई, उसने देखा कि बहू ने इतने सुंदर कपड़े और गहनों से लदी हुई है। सास ने ससुर से बोला कि आप तो बोल रहे थे बहू ने तुलसी के कपड़े पहने हैं, लेकिन वह तो बहुत सुंदर कपड़े और गहने पहनकर आई है। इसके अलावा वह अपने साथ बहुत कीमती सामान भी लेकर आई है। तुलसी रानी की अपनी भक्त पर ऐसी कृपा हुई कि उसने अपनी भक्त की लाज रखी। तो बोलो जय तुलसी माता की। इसके बाद शादी को कुछ दिन बीत गए। भाभी ने बोला कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। भाई अपनी बहन को लेने उसके घर गया, लेकिन घर के बाहर ही खड़ा रहा। शर्म के कारण उसकी अपनी बहन से मिलने की हिम्मत ना हो पा रही थी। बहन ने अपने भाई को देख लिया और उसे घर के अंदर ले आई। सास बोली कि जिस दिन से यह आई है, इसने कुछ नहीं खाया। भाई ने बताया कि यह तुलसी रानी की कथा सुनाने के बाद ही कुछ खाती है। सास बोली, यह हमें बता देती, हम कथा सुनते। फिर सासू ने कहा, जिस दिन से इसके कदम हमारे घर में पड़े हैं, हमारे दिन बदल गए। घर में आनंद, खुशी और सुख आ गया। अन्य धन की कोई कमी नहीं। भाई ने बोला कि वो अपनी बहन को लेने आया है। सास ने बहू को भाई के साथ भेज दिया। अपनी ननद को इतने सुंदर कपड़े और गहनों में देखकर भाभी को दुख हुआ। वह बोली कि तुम तुलसी की पूजा करती रही और मैं गुस्सा करती रही। आज तुलसी माता की कृपा के कारण ही तुम सुखी और खुश हो। भाभी ने अपनी बेटी से कहा, तेरी बुआ तुलसी की पूजा किया करती थी, तू भी किया कर। लेकिन बेटी का मन तुलसी पूजा में नहीं लगता था। ननद तो सच्चे मन से किया करती, लेकिन बेटी जबरदस्ती पूजा किया करती थी। वह कभी तुलसी माँ में जूठा पानी डाल देती तो
तो कभी गंदा पानी डाल देती। बेटी बड़ी हुई, माँ ने पिता से बोला, इसके लिए लड़का देखो जो अच्छे और अमीर परिवार से हो। पिता ने अपनी बेटी के लिए लड़का देखा जो अमीर परिवार से था। शादी के दिन नजदीक आ गए। माँ ने अपनी लड़की को वैसे ही कपड़े और तुलसी के गहने पहनाए जो ननद को पहनाए थे। बारातियों के लिए भी भोजन में तुलसी के पत्ते ही रखे। तुलसी के पत्ते देखकर बाराती गुस्सा हो गए। माँ ने बेटी से बोला, तुलसी से प्रार्थना करो। जैसे ही बेटी ने प्रार्थना की, पत्ते मिट्टी के डले बन गए। यह देखकर बाराती और भी गुस्सा हो गए। लड़की की विदाई की गई। उसे जो तुलसी दी वह तुलसी की तुलसी ही रही। उसके ना गहने बने और ना ही कपड़े बने। ससुराल में बातें होने लगी कि बहू कुछ नहीं लेकर आई। अब ननद तो सच्चे मन से तुलसी रानी की पूजा करती थी, लेकिन बेटी से उसकी माँ जबरदस्ती पूजा करवाया करती थी। इसका फल तुलसी माता ने उस लड़की को दिया। ससुराल में उसके जाने पर अशांति छा गई और उनके पास जो कुछ भी था उसमें कमी आने लगी। माँ ने कहा, बेटी को ले आओ। पिता अपने पुत्री को लेने गया तो सास ने बोला, ले जाओ इसे। जब से हमारे घर में आई है, हमारे घर में सभी चीजों में कमी आ गई है। कल लेकर जाती हूँ, आज ही लेकर जाओ। पिता अपनी बेटी को लेकर घर पहुँचा। माँ ने देखा कि वह तो कुछ भी अच्छा कपड़ा और गहना नहीं पहन कर आई, तो माँ बोली, अपनी बहन के लिए इतना अच्छा घर और मेरी बेटी के लिए यह सब। पिता बोला, जैसी सेवा और पूजा मेरी बहन ने तुलसी की वैसी ही तुलसी रानी ने उस पर कृपा की, और जैसी सेवा पूजा तेरी बेटी ने की वैसा ही फल तुलसी रानी ने उसे दिया। इसीलिए अगर यह सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करती तो इसे भी तुलसी माता अच्छा फल देती। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने एक बहन पर की वैसी सब पर करना। जैसा आपने एक बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। कथा करने वाले पर, कथा सुनने वाले पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलो जय तुलसी माता की।